नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। खबर है मंडला से, जहां पर्यटकों में कोरोना का डर बैठा हुआ है। जी हां, कोरोना काल को लेकर आम जन जीवन अस्त व्यस्त है और इसका प्रभाव इस कदर बढ़ा है कि लोग अब पर्यटन स्थलों पर भी उतनी संख्या में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण केवल कोरोना का डर है। पर्यटकों के ना पहुंचने पर इसका सीधा प्रभाव होटल संचालकों और गाइड पर पड़ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं विश्व विख्यात कान्हा नेशनल पार्क की, जहां देशी विदेशी सैलानी काफ़ी तादाद में बाघों के दीदार के लिए यहां पहुंचा करते थे, लेकिन आज की स्थिति में पर्यटकों का आना बहुत कम हुआ है। इसका कारण केवल कोरोना महामारी का होना है। अभी भी पर्यटकों में कोरोना का डर समाया हुआ है। कुछ पर्यटक कान्हा पार्क में पहुंचकर अपने आप को कोरोना से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम केवल बाघों को देखने नहीं आए हैं, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति को महसूस करने आए हैं। तो वहीं पर्यटकों ने कोरोना के साथ जीने की बात भी कही है। मैं रायपुर से आया हूँ और मैं इधर कान्हा क्या फ्रीक्वेंटली आता हूँ। अब 8 महीने में जो मैं ये जो टाइम वेस्ट है उसमें 3-4 बार कान्हा आके जाता, तो ऑब्वियसली मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ कि फाइनली मुझे आने में मिला। अब कोरोना काल चल रहा है सर, उसके साथ जीना है तो मैनेज करना पड़ेगा। सर हम तो, हमारी उम्मीद तो सर शेर पे ही कायम है। उसके अलावा भी सर कान्हा जैसा पार्क है, अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है कि आप सिर्फ शेर के पीछे मत पड़िए। आप कान्हा आ रहे हो तो आप देखिए कि जंगल की और नेचुरल ब्यूटी क्या होती है। तो सर एक्सपेक्टेशंस तो हाई हैं, अब देखिए क्या होता है। हम अच्छे से हो रहे हैं सर, गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है, टेम्परेचर चेक हो रहा है, हम लोगों को बोला जा रहा है कि आपको मास्क बिना अंदर नहीं जाने देंगे। और सर बाकी फिर हम अपना देखिए ना सैनिटाइजर वगैरह साथ में लेके चल रहे हैं। पार्क में पर्यटकों के आने पर ही होटल व्यवसायियों का व्यवसाय चलता है, लेकिन पर्यटकों के पार्क में कम संख्या में आने पर इसका व्यवसाय ठप्प पड़ा है, जिससे होटलों में काम करने वाले लोगों की रोजी रोटी पर संकट आन पड़ा है। व्यवसायी भी इस समस्या के कारण कोरोना का डर बता रहे हैं। जैसा सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से सभी व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, तो होटल व्यवसाय सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और चूंकि टूरिस्ट आने में डर भी रहे हैं और सुरक्षा पहले देख रहे हैं, तो हमारा व्यापार बुरी तरह बाधित हुआ है। और उसके कारण हमारे जो स्टाफ हैं, एम्प्लॉई है, जो लोकल के जो लड़के हैं, उनके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो बस आगे हम देखते हैं कि सब कुछ अगर अच्छा रहा तो फिर वो भी अपने रूटीन में नॉर्मल आ सकेंगे और हम लोग भी अच्छी उम्मीद करते हैं आगे के लिए। कोरोना की गाइडलाइन का पालन कान्हा प्रबंधन कर रहा है। पर्यटकों को टेम्परेचर और पर्यटकों एवं जिप्सियों को सैनिटाइजिंग का भी काम किया जा रहा है। कान्हा पार्क में चारों जोन की शुरुआत हो चुकी है और पर्यटकों में कमी को कान्हा प्रबंधन भी स्वीकार रहा है। उनका भी मानना है कि पर्यटकों का कम आना कोरोना का डर है, तो वहीं ट्रैवल जैसे संसाधनों की कमी भी एक मूल वजह है। भारत शासन और राज्य शासन के निर्देश जो कोरोना के बाद जून में 10 जून को जो खोलने की कार्रवाई की गई थी, उसी के अनुसार कोरोना की गाइडलाइन चल रही है। अभी कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है, क्योंकि प्रभाव बढ़ता जा रहा है कोरोना का, इसलिए उस गाइडलाइन तत्कालीन समय में जो गाइडलाइन थी उसी को पालन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत रिस्ट्रिक्शंस हैं, गाड़ी में अगर एक परिवार के लोग हैं तो 6 आदमी जाएंगे, नहीं तो 4 ही आदमी जाएंगे। गाड़ी इंटर करने के पहले उसकी सैनिटाइजेशन होगा, मास्क की जरूर कंपल्सन है। और साथ साथ जो होटल्स हैं उनको लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो उनके यहाँ जो भी आता है पर्यटक उसकी पूरी हिस्ट्री रखेंगे, हिस्ट्री के साथ उसके चेकअप भी होगा, टेम्परेचर चेकअप और बाकी चेकअप होंगे। और चेकअप में यदि कोई पाया जाता है ऐसा जिसको लक्षण हैं तो उनको तत्काल क्वारंटाइन करके जिला प्रशासन के सहयोग से उनको हॉस्पिटलाइज करने की कार्रवाई की जाएगी। सैलानियों की कमी हमें जो समझ में आ रहा है, दो, एक तो महामारी का भय और दूसरे हमारे जो संसाधन हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हैं वो पूरी तरीके से अभी कारगर नहीं हुए हैं। तो जो आम सैलानी है, जो कम बजट वाला है, उसको दिक्कतें आ रही हैं। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।